हेलो, हाय एवरीवन। वी किचन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उड़द दाल की बड़ी। आज हम आपको दो तरह से उड़द दाल की बड़ी बनाकर बताएंगे, एक सादी बड़ी और दूसरा मसाले वाली उड़द दाल की बड़ी। बड़ी तो वैसे बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाती है, पर घर की बनी हुई बड़ी का स्वाद ही अलग होता है। तो चलिए बनाते हैं उड़द दाल की बड़ी। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 किलो उड़द की धुली हुई दाल ली है। आप चाहें तो छिकल वाली दाल भी ले सकते हैं। और इसे हम रात भर अच्छे से धोकर पानी में भिगो देंगे, जिससे कि ये दाल बहुत ही अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, हमने दाल को पूरी रात पानी में डालकर भिगो कर रखा था और ये दाल हमारी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। और इसे एक बार हम फिर से धो लिए हैं और अब हम इसे छन्नी में छान लेंगे। छन्नी में हम इसे थोड़ी देर रखेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। देखिए, हमने यहाँ पर ये सफ़ेद वाला कद्दू ले रखा है और इसको हम यहाँ पर हमने 2 किलो उड़द की दाल ली है, तो 1.5 किलो हमने ये सफ़ेद वाला कद्दू लिया है और इसके हमने बीज और छिकल हटा दिए हैं और इन्हें छोटे छोटे पीस में काट लिया है। काटा इसलिए क्योंकि उड़द की दाल पीसने में मुश्किल होती है, तो पहले हम मिक्सी के जार में थोड़ा सा कद्दू डालेंगे, फिर ऊपर से उड़द की दाल डाल देंगे, जिससे ये आसानी से हमारी दाल पिस जाए बिना पानी डाले। तो ये देखिए, दाल कितनी अच्छी बिना पानी डाले पिसी, क्योंकि हमने इसमें कद्दू डाल दिया था। बहुत से लोग कद्दूकस करके कद्दू डालते हैं और दाल को पानी डालकर पीसते हैं, वो दाल गीली हो जाती है और उड़द की दाल सूखी सूखी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर कद्दू के छोटे छोटे पीस करके उसे डालकर दाल में पीस लिया है और दाल को हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। और अब हम इसमें हींग डाल देंगे। 2 किलो दाल है तो 1 टेबल स्पून हींग इसमें डाल दीजिए। उड़द की दाल में हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम इसे खूब फेंटेंगे। तो ये देखिए, हमने एक बड़े भगोने में दाल कर ली है और इसे हम खूब अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि ये फ्लफी ना हो जाए, मतलब दाल हल्की ना हो जाए, हमें तब तक इसे फेंटना है। और हम एक बर्तन में पानी ले लेते हैं और पानी में डाल कर देखेंगे कि जब ये दाल हमारी पानी में ऊपर तैरेगी तो मतलब हमारी दाल फिट गई है। तो देखिए, छोटा सा हमने एक डाला, ये देखिए ऊपर आ गया। अब हम थोड़ा और ज़्यादा दाल डालेंगे, जिससे कि पता चले कि हमारी दाल अच्छे से फिट गई। ये देखिए, ज़्यादा सा हमने लिया और ये देखिए दाल बहुत ही अच्छे तरीके से फिट गई है। और अब मसाला बड़ी बनाने के लिए, हम दाल में डालने के लिए मसाले, तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून जीरा लिया, 1 टेबल स्पून लौंग, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 8 से 10 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ पर हमने ये मोटी वाली मसाले वाली सौंफ, ये भी 1 टेबल स्पून ली है, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। और इन सब को हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए, मसाला भी हमारा पिस के तैयार हो गया है, दाल भी फिट गई है। और अब हम चलते हैं छत पर। छत पर हमने एक फोल्डिंग पलंग डाल ली है और उस पर एक कॉटन की चादर डाल दी है। तो चलिए बड़ी बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने एक छोटे बर्तन में थोड़ी सी दाल ले ली है और उसकी हम छोटी छोटी बड़ियाँ बनाकर धूप में डालेंगे। ध्यान रहे, तेज धूप में हमें इसे डालना है। तो जब भी धूप तेज हो, अच्छी हो, मौसम अच्छा हो, तभी आप उड़द दाल की बड़ी को बनाएं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ियाँ बना ली हैं अपनी। और अब जो थोड़ी सी दाल बची है, इसमें हम जो हमने मसाला पीसा था वो मसाला मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, जिससे कि ये ज़्यादा ना हो जाए, और अच्छे से हम इसे फिर फेंट लेंगे। वैसे तो ये हमारा सारा मसाला इसमें लग जाएगा, तो हम इसमें सारा मसाला ही डाल देते हैं और फिर इसे एक अच्छे से थोड़ा सा फेंट लेंगे हाथों से। अच्छे से फेंटना है, जैसे ज़्यादा देर तक दाल रखी रहती है तो वो फिर बैठ जाती है,
तो आप जब भी बनाएं थोड़ी थोड़ी दाल को फेंटते हुए उसे बनाएं। और अब हम इसे भी एक कटोरे में ले लेंगे थोड़ी थोड़ी दाल, और बड़ियाँ बनाने शुरू करेंगे। जैसे हमने सादी बड़ी बनाई थी उसी तरह से हम ये छोटी छोटी मसाला बड़ी भी डाल देंगे धूप में। ये देखिए बड़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए बड़ी बन गई है। और इसे हम पूरा एक दिन अच्छे से धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाएंगे, जब ये अच्छे से सूख जाएंगी तभी हम ये मेरे फादर इल्ला हैं, इन्हें भी बड़ी बनाने का बहुत शौक है, तो ये भी हमारे साथ में हेल्प कर रहे हैं, बड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये देखिए सारी बड़ियाँ बन गई हैं और अब हम इन्हें पूरा एक दिन धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो एक दिन बाद ये देखिए बड़ी अच्छे से सूख गई है। अब कपड़े से देखिए कितनी आसानी से छूट रही मेरी मदर इल्ला ये बरियों को छुड़ा रही हैं। देखिए कपड़े में कहीं भी उड़द की दाल नहीं लग रही। तो जब तक इतनी ना सूखे आप इन्हें कपड़े से छुड़ाइएगा मत। आप ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो वो दाल जो है कपड़े में चिपकी रहेगी और वो बरी जो है वो बरी में नीचे बीच में छेद हो जाएगा, खोखली सी लगेंगी। तो इसलिए अच्छे से सूख जाए तभी आप उन्हें छुड़ाइए। अभी हम आपको दिखाते हैं पीछे साइड से भी। तो ये देखिए पूरा एक दिन हमारी बरी सूखी है, तब हम इसे कपड़े से छुड़ा रहे। तो ये देखिए अब हम इसे एक बर्तन में कर लिए हैं और इसे 2 से 3 दिन तक धूप में रखकर अच्छे से सुखा लेंगे। ये देखिए पीछे से बिल्कुल जरा सी भी दाल कहीं से नहीं निकली है। तो इसी तरह से पूरा एक दिन अच्छे से सुखा कर तब बरी को कपड़े से छुड़ाएं। तो ये देखिए 2 से 3 दिन हो गए धूप में सूखते हुए। अब हम इन बरियों को एक एयर टाइट डिब्बे में भर के रख देंगे और ये साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी।